नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारे चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं या बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत रखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को तैयार कराया जा रहा है, जिसमें सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित में जनरल साइंस और जनरल मैथमेटिक्स की क्लास डेली अपडेट कराई जा रही है। आप सभी साथी हमसे जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा हम आपको जनरल साइंस और जनरल मैथ की क्लास डेली अपडेट कराने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास में हमारे साथ आप भी अपने प्रयास को जुड़िए और अपनी तैयारी को एक अच्छी मंजिल, एक अच्छी ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करिए। साथियों, जैसे कि पीछे हम लोग अपने क्लास में रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी की तीन क्लासें कर चुके हैं। लगभग रेडियो सक्रियता का चैप्टर फिनिश हो चुका था, सारी चीजें क्वेश्चन रिलेटिव जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थे वो सब आपको बता दिए गए थे। आगे एक नए चैप्टर, एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, वेव को। ठीक, कुछ इंट्रोडक्शन क्लास आज वेव की तरीके से होगी और उसी में कुछ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनको भी हम लोग सीखेंगे। चलिए अगली क्लास की तरफ, वेव। अगला क्लास हमारा है वेव, तरंग पे है कि तरंग क्या है, कितनी तरह की तरंगें होती हैं, इन सब चीजों को हम लोग सीखेंगे। इसमें वेव, तरंग क्या चीज है तो बताया गया कि तरंग जो होता है किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स में जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है, जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, वही क्या होता है, वेव होता है। वेव एक तरह से उसमें जो पार्टिकल्स के बीच डिस्टरबेंस होता है पीरियाडिक मोशन में चलता है। जैसे पेंडुलम की बात करते हैं कि पेंडुलम मीन पोजीशन से इधर उधर चलता रहता है, तो ऐसे वेव भी एक तरीके से अपने मीन पोजीशन से आगे की तरफ बढ़ते चलते हैं। ठीक है, बात समझ में आएगी तो हमारे क्लास को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करिएगा। ठीक, तो क्या है वेव? जैसे एक सिंपल सी चीज होती है कि तालाब में पानी रहता है और उस पानी में एक छोटा सा स्टोन, एक छोटा सा कंकड़ डालते हैं तो उसमें वेव तरंग चलने लगती है आगे की तरफ, और वो तरंग किस नेचर में होती है, पीरियाडिक मोशन में होती है। ठीक, तो वहां बोलते हैं कि तरंग उठ गई है, तरंग चल रही है। तो वही तरंग क्या है, उस मीडियम मींस लिक्विड के पार्टिकल्स बीच डिस्टरबेंस हुआ तो वो कहलाता है तरंग। ठीक, तो तरंग को डिफाइन क्या करेंगे, नोट करिएगा, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द मीडियम, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस प्रोड्यूस इन द मीडियम बाय द पीरियोडिक by the periodic motion of the medium particles ठीक है, क्या है, disturbance produced in the medium by the periodic motion of the medium particles। ठीक, ये होता है disturbance produced in the medium By the periodic motion of the medium particles, जिस मीडियम में वेव चल रही है तो मीडियम पार्टिकल्स में क्या होता है, मोशन, पीरियोडिक मोशन चलता है। अब बात करें तो ये मोशन कैसा होता है, रिपीटेड होता है। क्या होता है, रिपीटेड मोशन चलता है, मीन्स एक बार के बाद फिर वे उसी मोशन में कंटिन्यूसली आगे बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से हम लोग वेव को डिफाइन करते हैं कि डिस्टरबेंस प्रोड्यूस इन द मीडियम बाय द रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स।
फिर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि इनका कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स गुण क्या होता है वेव का, वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण क्या होती है। तो कहा जाता है कि वेव कैरी एनर्जी, ठीक है, वेव के द्वारा एनर्जी कैरी होती है, वेव कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वेव कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वेव के द्वारा एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस को चलती है। दूसरी चीज, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, वह किसी वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वह पूरे मोशन के दौरान क्या होती है, एक तरीके से सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है। दूसरी चीज यदि चर्चा करते हैं इसके बारे में, तो वेलोसिटी ऑफ वेव जो होता है वह यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मीडियम होता है। वेलोसिटी ऑफ वेव यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मीडियम, थ्रू आउट द मीडियम, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मीडियम, मतलब पूरे मीडियम में जो वेलोसिटी होगी वेव की वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, समान होगी, उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। फिर अगली चीज होती है कि जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स होती है इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इज डिफरेंट, इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, ठीक है, मतलब मीडियम की जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या होगी, डिफरेंट होगी, मीडियम के पार्टिकल्स की वेलोसिटी डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या होगी, डिफरेंट होती है। हाई बस में तो ऐसी क्या है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव होती है, ठीक है, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द मीडियम बाय द पीरियोडिक मोशन ऑफ द पीरियड मीडियम पार्टिकल्स, करेक्टरिस्टिक्स वेव कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वेलोसिटी ऑफ वेव यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मीडियम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। अब टाइप्स ऑफ वेव की बात की जाती है कि वेव के टाइप्स क्या हैं, तो कहा जाता है कि वेव दो तरह के हो जाते हैं, वेव आर टू टाइप्स, पहला कहा जाता है मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव जिसको बोला जाता है यांत्रिक तरंगे, और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव जिसको कहा जाता है अयांत्रिक तरंगे, ठीक, मैकेनिकल वेव्स यांत्रिक तरंगे, नॉन मैकेनिकल वेव्स अयांत्रिक तरंगे। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको प्रोपोगेट होने के लिए, जिनको मूव होने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है, रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, ठीक है, मीन्स इनको चलने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक, किसी मटेरियल मीडियम में ही मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस की जाती है, ठीक, तो रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। अब वह मटेरियल मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, मटेरियल मीडियम
क्या हो सकते हैं आपके, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और क्या होते हैं, गैस भी हो सकते हैं। ठीक है, मटेरियल, मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों हो सकते हैं। इसमें यदि एग्जांपल की बात करें तो साउंड वेव इज ए मैकेनिकल वेव, साउंड वेव इज ए मैकेनिकल वेव, क्योंकि साउंड वेव को प्रोपोगेट होने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है, उसको प्रोड्यूस कराने के लिए किसी ना किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो साउंड वेव इज ए मैकेनिकल वेव। फिर यदि बात करते हैं तो वेव प्रोड्यूस ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, वेव ऑन सर्फेस ऑफ वाटर के सर्फेस में वेव जो है। ठीक, इसके बाद अनकंप्रेसिंग स्प्रिंग मींस स्प्रिंग को कंप्रेस करने पर भी जो वेव स्प्रिंग में प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, मैकेनिकल वेव्स होती हैं। तो साउंड वेव्स, वेव प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जैसे भी बताया गया कि तालाब में यदि हम एक पत्थर फेंकते हैं तो उसमें वेव क्या होती है, प्रोड्यूस हो जाती है, तो किस तरह की वेव होती है, मैकेनिकल वेव्स होती है। स्प्रिंग कंप्रेस करने पर भी क्या होती है, उसमें वेव प्रोड्यूस हो जाती है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल होते हैं किसके, मैकेनिकल वेव्स के होते हैं। ठीक, वो एंड एरो तीर धनुष में जो है उसमें भी जब उसके रबर या थ्रेड को स्ट्रेच करते हैं तो उससे क्या होती है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ध्वनि ऊर्जा क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, जो एक वेव के रूप में एक तरफ से दूसरे तरफ को चलती रहती है। ठीक, तो ये मैकेनिकल वेव्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मैकेनिकल वेव्स कहलाते हैं। तो बात यदि समझ में आ रही होगी तो हमारे क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, ऐसी क्लासें हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आगे देखिए, दूसरे वेव की चर्चा है नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक, किस वेव की चर्चा है, नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स यहां कहा गया रिक्वायर मटेरियल मीडियम, तो इसमें नॉन मैकेनिकल वेव्स में कोई कंडीशन नहीं है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल मीडियम। मटेरियल मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती है फॉर दियर प्रोपोगेशन या प्रोडक्शन। नॉन मैकेनिकल वेव को प्रोपोगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये मटेरियल है तब भी प्रोपोगेट होंगी, और मटेरियल नहीं है तब भी प्रोपोगेट हो जाती है नॉन मैकेनिकल वेव्स। कहा गया है नॉन मैकेनिकल वेव्स के बारे में कि नॉन मैकेनिकल वेव्स कैन आल्सो ट्रेवल थ्रू ए मटेरियल, मतलब यदि मटेरियल नहीं है तब भी ट्रेवल करेंगी, और मटेरियल है तब भी मैकेनिकल वेव्स ट्रेवल करती है। एग्जांपल के रूप में कहते हैं तो लाइट वेव क्या है, लाइट वेव जो है एक नॉन मैकेनिकल वेव्स है। लाइट वेव इज ए नॉन मैकेनिकल वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर दियर प्रोपोगेशन, जिनको अपने को प्रोपोगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर अगली चीज, इस नॉन मैकेनिकल वेव को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या कहलाएगा ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाएगा। कौन, नॉन मैकेनिकल वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाता है। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाता है, क्योंकि इस पे जो है किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही इसमें वेव में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये चीजें थी
मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स के बारे में। अब आगे मैकेनिकल वेव के टाइप्स को जानते हैं कि मैकेनिकल वेव्स कितनी तरह के हैं, फिर हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव्स को इसी तरह से क्रम से सीखेंगे जानेंगे। तो मैकेनिकल वेव्स की चर्चा करते हैं, मैकेनिकल वेव क्लास समझ में आ रही होगी दोस्तों, तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने साथियों को भी हमसे जोड़िएगा। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस। देखिए मैकेनिकल वेव्स दो तरह के हैं। एक मैकेनिकल वेव्स की बात कही जा रही है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और दूसरा कहा जा रहा है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। मैकेनिकल वेव्स आर टू टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव, जिसको हिंदी मीनिंग बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, एक क्या है, यांत्रिक तरंग है मैकेनिकल वेव्स, इसको क्या कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, और एक क्या है अनुप्रस्थ तरंग है ट्रांसवर्स। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है और ट्रांसवर्स वेव क्या है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में कहा जा रहा है कि ए वेव मोशन इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम प्रोपोगेट टू एंड फ्रो आर पैरेलल, टू एंड फ्रो आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वे। मतलब कि इसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स चलते हैं वो टू एंड फ्रो के कंडीशन में कहा जाता है। इस तरीके से मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। ग्राफ की बात करें तो इस तरीके से कहा गया है, जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मीन्स अनुदैर्ध्य तरंग चलती रहती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अनुदैर्ध्य तरंग चलती है, अनुदैर्ध्य तरंग चलती है। ठीक, वेव डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव की क्या पैरेलल में पार्टिकल्स ऑफ मीडियम प्रोपोगेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक, वेव के प्रोपोगेशन के पैरेलल चलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है वो मीडियम के मैटर के तीनों स्टेट में प्रोड्यूस होता है, सॉलिड लिक्विड और गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड लिक्विड और गैस मीडियम के तीनों स्टेट में लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस होता है। कहा जाए तो एग्जाम्पल के रूप में जो साउंड वेव है वह लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसके अतिरिक्त साउंड वेव के अतिरिक्त और कौन कौन से वेव जो है आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगे, तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो स्लिंकी में जो वेव प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है, वेव प्रोड्यूसिंग स्लिंकी। इसमें जो वेव बनते हैं, इस वेव में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का केस बनता है। कौन सा केस बनता है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का केस बनता है कि मीडियम के पार्टिकल्स कंप्रेशन के केस में क्लोज होंगे और रेयर फ्रैक्शन के केस में मीडियम के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। तो एक रेयर फ्रैक्शन और एक कंप्रेशन मिलके एक वेवलेंथ होता है। चलिए आगे ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव में कहा जाता है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स मूव करते हैं वो डायरेक्शन
आप प्रोपोगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। इसमें मीडियम के पार्टिकल्स वेव के डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब राइट एंगल्स पे मीडियम के पार्टिकल्स ट्रांसवर्स वेव में मूव करते हैं, चलते हैं। ट्रांसवर्स वेव ओनली केवल सॉलिड और लिक्विड में, सॉलिड एंड लिक्विड में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव केवल सॉलिड और लिक्विड में प्रोड्यूस होती है, डू नॉट प्रोड्यूस इन गैस, गैस में ही प्रोड्यूस होती है, डू नॉट प्रोड्यूस इन गैसेस ड्यू टू इट्स इलास्टिक नेचर, ड्यू टू इट्स इलास्टिक नेचर, ठीक है। क्योंकि गैस के मीडियम के पार्टिकल्स का नेचर क्या है, इलास्टिक है। गैस के मीडियम के पार्टिकल्स का नेचर क्या है, इलास्टिक नेचर होने के कारण ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो गैसेस में प्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक। आई वॉज में फिर इसी में कहा जा रहा है, यदि इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे आप आ गया साउंड वेव्स या श्रिंकिंग सिंकिंग में लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव होता है वो रिपल्स ऑफ वाटर, रिपल्स ऑफ वाटर, वाटर पे जो तरंगे चलती हैं, पॉन्ड्स का जो भी हमने एग्जांपल दिया था, ठीक है, पानी की सतह पे जो तरंग चलती है वो क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है, ठीक है। फिर वाइब्रेशन इन स्प्रिंग, वाइब्रेशन इन स्प्रिंग, वाइब्रेशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव होगा, ठीक। तो मैकेनिकल वेव्स दो तरह के, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में मीडियम के पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के पैरेलल होते हैं, और ट्रांसवर्स वेव में मीडियम के पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर चलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड लिक्विड गैस में चलती है, और ट्रांसवर्स वेव ओनली सॉलिड एंड लिक्विड में चलती है, डू नॉट प्रोड्यूस इन गैसेस, ट्रांसवर्स वेव को गैसेस में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनकी नेचर, गैसों की नेचर क्या होती है, इलास्टिक होती है। यदि कल क्लास समझ में आई होगी तो शेयर करिए या कमेंट करिएगा दोस्तों, ऐसे ही क्लासेस आपको आपकी तैयारी के लिए प्रोवाइड कराती रहेंगी।